हरे कृष्णा ग्रुप का एनुअल फेस्टिवल का आयोजन आज दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। हरे कृष्णा हरे राम के नारों से पूरा इलाका गूंजमान हो गया। हालांकि हरे कृष्णा ग्रुप के विदेश से आए गुरु और भक्त दिल्ली के पॉल्यूशन से परेशान भी दिखे। हरे कृष्णा ग्रुप के एनुअल फेस्टिवल में प्रवचन देने आए लंदन इस्कॉन मंदिर के सन्यासी भक्त विकास स्वामी ने सबसे पहले दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में बात करते हुए कहा कि पहले दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता था और अब पॉल्यूशन कैपिटल कहा जाता है। खुद स्वामी जी भी प्रदूषण की वजह से प्रवचन के दौरान खांसते हुए दिखे और पॉल्यूशन से बचने के आइडिया भी भक्तों को दिया। क्या प्रदूषण हटाओ, यही संदेश है। दिल्ली की कुख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई प्रदूषण का कारण। सबसे बड़ा प्रदूषण है मानसिक, काम क्रोध लोभ इत्यादि मन में है। वो प्रदूषण हटाने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अगर हम आध्यात्मिक जीवन डेवलप कर रहे हैं तो सिद्धि हो जाए। सो इस कलयुग में सिंपल उपाय है कि चैंटिंग गॉड्स नेम्स, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रोग्राम हमारे हर साल यहीं यहाँ पे होते हैं, ईयर में एक बार होता है, लेकिन संडे संडे हमारे वैसे वीकली प्रोग्राम्स होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कीर्तन होता है और इसमें एक लेक्चर होता है, वो भगवद गीता के ऊपर लेक्चर होता है, और उसके बाद फिर कीर्तन होता है, और कीर्तन के बाद इसमें फिर प्रसादम होता है। और ये हम जो प्रसादम होता है, जितने भी हमारे आसपास जितने भी होते हैं उन सबको ये प्रसादम हम फ्री में देते हैं। और ये प्रोग्राम जो होता है हमारा, इसमें हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ये फ्री है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोग आएँ, इन प्रोग्राम्स को अटेंड करें, क्योंकि जो हमारा वैदिक कल्चर है वो सारा ख़त्म होते जा रहा है। उस वैदिक कल्चर को रिवाइव करने के लिए हम लोग अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो जाए कि हमारे वेद क्या हैं, हमारे एंशंट स्क्रिप्चर्स क्या हैं। क्योंकि जैसे भगवद गीता लोगों को पता ही नहीं है भगवद्गीता क्या है। तो जब भगवद्गीता का हम मतलब ये करते हैं, श्लोकों के बारे में बताते हैं लोगों को, मतलब बेसिकली लोगों को एक अवेयरनेस दे रहे हैं। पास लोगों के पास जाके उनको बोलते कि आइए, क्योंकि आपको तो कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक डेढ़ घंटा निकालना है, लेकिन उससे आपको आध्यात्मिकता के बारे में पता चलेगा, ये पता चलेगा कि भगवद गीता क्या है। और हमें एक्चुअली जो हमारी संस्कृति उसके साथ कनेक्ट करने का यही एक रास्ता है।